सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी घर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। स्वागत है आपका एक ताजा तरीन नए ब्लॉग में। उत्साह से हम लोग भरे हुए हैं, रात के करीब 8 बज रहे हैं, शनिवार का दिन है, कल संडे है, एक दिन हमारे लिए काफी होता है। हम लोग जा रहे हैं गुजरात में व्हाइट रन ऑफ कच्छ को एक्सप्लोर करने, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आपको रोड पे ले चलते हैं और रोड ट्रिप शुरू करते हैं। हाँ जी, तो रात के करीब 8:20 हुए हैं और हम लोग अभी हैं राजकोट के रिंग रोड पर, सिटी से बाहर आ चुके हैं। प्लान ये है कि हम लोग रात में ड्राइव करके सुबह जो है ना भुज के आगे जो वाइट रन ऑफ कच्छ है उसके पास जो विलेज है ढोरडो वहाँ पहुँचेंगे। उसके लिए ऑनलाइन परमिट हमने पहले ही निकाल लिया है तो वहाँ वेट नहीं करना पड़ेगा। रात में कहीं रास्ते में 2-3 घंटे सो भी जाएंगे, चूँकि ढोरडो का जो ड्राइव है ना यहाँ से 6-7 घंटे की ड्राइव है, तो 2-3 घंटे सो जाएंगे तो 10-11 घंटे लग जाएंगे। सुबह आराम से पहुंचेंगे वहां पर 6-7 बजे और किसी होम स्टे में या किसी रिजॉर्ट में हम लोग जाकर एक आध घंटे के लिए रूम ले लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, नहा धो लेंगे और फिर वहां से वाइट रन ऑफ कच्छ घूमने निकल जाएंगे। और ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब अगस्त में हम लोग ढोलावीरा गए थे। तो अब हम लोग हैं राजकोट मोरबी हाईवे पर और जो रूट हमारा होगा वो सिंपल है, राजकोट से मोरबी, मोरबी से समाख्याली NH 27 और समाख्याली से फिर हम लोग चले जाएंगे भुज और भुज से फिर वाइट रन। मोरबी का आगे एक ढाबा है अन्नपूर्णा काठियावाड़ी रेस्टोरेंट, वहाँ हम लोगों का डिनर का प्लान है क्योंकि ढोलावीरा जाते समय हम लोगों ने वहाँ डिनर किया था और खाना बड़ा अच्छा लगा था वहाँ का। तो फिलहाल तो हम लोग वहाँ तक नॉन स्टॉप जाएंगे, फिर वहाँ के बाद आगे देखते हैं कहाँ रात में रुकना है, कहाँ सोना है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं हुंडई की क्रेटा से, ये डीजल बेस वेरिएंट है और हमने अक्टूबर में इसको परचेज की थी। और भाई साहब इसका रिव्यू क्या बताऊं, डीजल का जो पंच है ना हाईवे पे खतरनाक है, मतलब 115 bhp का जो पावर है ना, गाड़ी 6th गियर में भी आराम से 60-100 टच कर जाती है विद इन 5-6 सेकेंड में। मतलब ओवरटेक वगैरह करना तो इसमें सोचना ही नहीं पड़ता है, अब जरा सा एक्सलेटर प्रेस करो गाड़ी रॉकेट की तरह भागती है ये। अब ये सब मज़ा आपको पेट्रोल में नहीं मिलेगा, पेट्रोल इंजन में मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली, जो नॉर्मली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होता है ना, जो NA इंजन आता है नॉर्मल, उसकी पेट्रोल में भी अगर टर्बो हो तो वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन अगेन वो महंगा हो जाएगा। और डीजल में तो बाय डिफ़ॉल्ट टर्बो आता ही है लगभग हर गाड़ी में, और क्रेटा का जो टर्बो है ना वो करीब 1700 या कह सकते 1500-1700 के बीच में किक इन कर लेता है। तो 1500 rpm के ऊपर अगर आप चलते रहें तो आपको कभी भी मतलब पावर की कमी महसूस नहीं होगी। रात के करीब 9 बजे हैं और अभी हम लोग मोरबी से करीब 20 किलोमीटर पीछे हैं, आधे घंटे के अंदर हम लोग मोरबी क्रॉस कर रहे होंगे। इट्स 9:20 pm एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग मोरबी। और बड़ी अजीब बात है, कहीं भी स्ट्रीट लाइन ऑन नहीं है, मोरबी में भी नहीं और राजकोट से लेकर यहाँ तक रास्ते में बहुत जगह स्ट्रीट लाइट्स दिखी हमें बट कहीं भी ऑन नहीं है। पता नहीं लाइट की दिक्कत है क्या है, ऐसा जनरली होता नहीं है। तो इट्स 9:30 pm और मोरबी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और सामने फिर से मिल गया नेशनल हाईवे 27, NH 27 या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहिए इसको। अब इसी पर हम लोग जाएंगे समाख्याली तक। मोरबी के आगे हम लोग रुक गए डिनर करने के लिए होटल अन्नपूर्णा काठियावाड़ दिखा रहे भाई, और यहाँ पहले भी हम लोग डिनर कर चुके हैं और पता नहीं अभी ऑन है कि ऑफ है, पता नहीं चालू दिख तो रहा है। चलो चलते हैं अंदर। तो इधर देखिए बाहर से कूपन मिल गया और खाने में क्या क्या है, रोटलो है, गुलाब जामुन और ये क्या है जी,
मिक्स वेज है। ये क्या भैया, पनीर है? ढोकला है। ढोकला, ये पनीर है? वेज। और ये पनीर है, ये मंचूरियन। इधर कड़ी है, खिचड़ी है, चावल और दाल फ्राई। और इधर एज यूजुअल जो गुजरात में चलता है, प्राइम्स और पापड़। तो अपन इधर बैठकर खाना एंजॉय कर रहे हैं, और खाने में देखिए 5-6 तरह की तो सब्जी हो जाती है, सब थोड़ा थोड़ा ले रखा है। और रोटी पूड़ी जो है वो आती रहती है। और भैया छाछ के बिना तो यहाँ सब कुछ इनकम्प्लीट है। तब लवी कैसा लग रहा है खाना? खाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, दिखता है कि स्पाइसी है बट है नहीं वैसा तीखा। नमक हल्का कमी है सब्जियों में, एक्स्ट्रा चाहे तो मिला ले। और छाछ तो भाई साहब लाजवाब है। ये हमने मिस कर दिया, इधर सूप भी रखा हुआ था। मस्त अपना डिनर हो गया। और ये लास्ट टाइम जब हम लोग ढोलावीरा गए थे तब ये जगह हमने ढूंढी थी। उस समय सडनली रुके थे क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम लगा हुआ था हाईवे पे। और जब डिनर किया तो पता चला 150 में इतना कुछ है। तो इस बार भी हम लोग पहले से सोच के रखे थे यहीं खाना है, जबकि घर से क्या बना के लाई हो जी, पनीर के पराठे लेकर आए हैं। लेकिन वो हम लोग जाके वहाँ पर रन में कल सुबह खा लेंगे। तो ये बढ़िया हो गया डिनर अपना। और अभी रात के कितने बज रहे हैं, करीब 10:15 हो रहे हैं। नॉर्थ इंडिया वाले जो है मुझे टी शर्ट में देख करके सोच रहे होंगे कि दिसंबर जनवरी की ठंड में भाई साहब ऐसे ही घूम रहे हैं। भाई गुजरात है, यहाँ का माहौल ही अलग है। रात में भी टेम्परेचर 15-16 डिग्री से ज़्यादा नीचे जाता नहीं है, सुबह में तो 25 रहता है, दिन में तो 30 चला जाता है। हाँ गर्मी बहुत पड़ती है लेकिन यहाँ सर्दी कम पड़ती है, तो सर्दियों में भाई इधर तो मज़े हैं। तो जो लोग भी इस रूट पर आ रहे हैं नाम नोट कर ले, होटल अन्नपूर्णा काठियावाड़ी, कहाँ है? मोरबी बाईपास पे, मतलब मोरबी से जस्ट आगे आप निकलेंगे समाख्याली की तरफ, तो वहाँ है। ठीक है चला जाए जी, ये रुकना भी। और यहाँ रुके थे तो गाड़ी के हेडलाइट वगैरह हम लोगों ने साफ कर लिए, शीशे तो साफ हैं ही। चलो जी बैठो। इट्स 10:30 PM और हम लोग अभी मोरबी और समाख्याली के बीच में है। नेशनल हाईवे 27 पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस हाईवे पर इतना ज़्यादा ट्रक का ट्रैफिक रहता है ना कि स्पीड जो है ना बड़ा मुश्किल से ही कभी कभी 70 पहुंच पा रही है, नहीं तो ट्रक्स इतने ज़्यादा हैं कि 70 के से कम में ही चलना पड़ रहा है। तो ये सामने रहा हाईवे, ये ऑनेस्ट रेस्टोरेंट, और यहाँ अपन रुक गए क्योंकि अब लवी को नींद आ रही है, ये स्कूल से आने के बाद सोई नहीं है। मैं तो क्या था ना कि सुबह क्लास थी फिर शाम को क्लास थी 5 बजे के बाद, तो मैं दोपहर में मस्त 3 घंटे सोया हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी रात में चल सकता हूँ आराम से। और यहाँ बहुत कुछ है खाने पीने के लिए, अपना पेट तो फुल है, बाबू उछल कूद में लगा हुआ है, ये भी नहीं सोएगा, ये भी शाम के 6 बजे तक आज सोया है। हाँ जी तो बेड बन के तैयार है, और देखिए क्या ऐश है इन दोनों की, दोनों हम लोग पतला वाला कंबल भी लेके आए हैं, ज़्यादा ठंड तो है नहीं यहाँ पर, दोनों मस्त अब सोएंगे और इनके माँ बाप जो है ना वो गाड़ी चलाएंगे। सो जा बाबू, गुड नाइट। और अब हल्की हल्की ठंड लगी तो मैंने एक पतला सा स्वेट शर्ट निकाल लिया, इससे ज़्यादा यहाँ की ज़रूरत भी नहीं है, जितने हमारे सर्दियों के कपड़े हैं ना सब यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। तो बेड बन गया और अब अपन निकल रहे हैं हाईवे पर आगे। तो इट्स 11:30 और अभी हम लोग समाख्याली क्रॉस कर रहे हैं। समाख्याली में NH 27 छोड़कर अब हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे 41 पर, और इसी हाईवे पर आगे गांधीधाम कांडला वगैरह सब पड़ते हैं। और इसी हाईवे पे कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम लोग भुज के लिए फिर दूसरा हाईवे ले लेंगे। ये हाईवे 6 लेन है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो समाख्याली के पास ही श्री चामुंडा कृपा रेस्टोरेंट। तो मेरे को हल्की नींद आ रही थी तो मैंने सोचा कि भाई एक कप चाय पी लिया जाए, मौका मिलते ही छोटे लाल उछल के कूदने लगे। तो ना 10-20 रुपए 50 रुपए का नोट दो ना, काफी है इतना। तो चाय पीकर अपन निकल गए आगे के लिए। सामने दिखाओ टोल प्लाजा आ गया, कितना टोल है पता नहीं बट हाईवे ये अच्छा है जो से बना हुआ है ना, 6 लेन बना हुआ है।
हम लोग अभी भुज हाईवे पर हैं, रात के करीब 1 बजे हैं और गाड़ी में सब लोग सो रहे हैं और भुज आने ही वाला है। आधे घंटे के अंदर अपन भुज पहुंच जाएंगे। ये हाईवे जो है वो 2 लेन अनडिवाइडेड है, जो हमें समा ख्याली के थोड़ा आगे से मिला है। ये एक स्टेट हाईवे है। तो रात के करीब 4:30 बजे हैं, 4:45 टू बी प्रिसाइज, और हम लोग भुज क्रॉस करके भुज और वाइट रन ऑफ कच्छ के बीच में ये एक छोटा सा ढाबा यहाँ रुक गए थे चाय पीने के लिए। एक्चुअली भुज में हम लोग 2 घंटे सो गए थे रेलवे स्टेशन पर और फिर उठ करके वहाँ से चले हैं, तभी यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग वाइट रन की तरफ। तो सुबह के करीब 6 बजे हैं और हम लोग पहुँच गए ढोरडो गांव, और यहीं से एंट्री भी है वाइट रन ऑफ कच्छ का। अब यहाँ पर एक बार चेक करना होगा कि वो जो परमिट लेकर हम लोग आए हैं ऑनलाइन वो कहाँ दिखाना है। तो आगे देखिए रन उत्सव टेंट सिटी का ये गेट बना हुआ है, जहाँ हम लोग चले गए थे वो टेंट सिटी का एंट्री पॉइंट था और रन जाने का रास्ता ये है। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द वाइट रन ऑफ कच्छ। सुबह के करीब अभी 7:45 हुए हैं, 6:45 7 बजे सनराइज का टाइम है। अपन यहाँ पे 6:15 में पहुँच गए थे और गाड़ी पीछे पार्किंग में लगा रखी है, सनराइज का वेट हो रहा है। अभी मैं उतर कर इधर रन में घूम रहा हूँ और बाकी लोगों को नींद आ रही है। वीना भी सो रही है, लवी भी सो रही है, बाबू उठा हुआ है, उसी गाड़ी में उछल कूद मचा रहा है। तो अभी सनराइज हो जाए तब सबको उठा करके एक बार रन में चक्कर लगवाते हैं। तो सुबह के करीब 7 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में अब सनराइज होगा। सूरज की लालिमा जो है चारों तरफ छा गई है और मुझे बिलीव नहीं होता है कि मैं रात भर गाड़ी चलाकर इसे देखने आया हूँ। सनराइज तो रोज़ होता है, रोज़ देखता भी हूँ क्योंकि मेरी आदत है 5:30 में उठने की, बट भाई यहाँ कच्छ में सनराइज नहीं देखा तो फिर क्या देखा। एंड द वेट कंटिन्यूज। तो मैडम की भी नींद खुल गई, ठंड यहाँ है तो मैडम भी शॉल ओढ़ करके आ गई है। दूर दूर तक चारों तरफ जो है ना नमक ही नमक है, सूखा हुआ नमक का समंदर। और इतने लोग आए हैं ना बिलीव नहीं कर सकते, बहुत लोग आए हैं। और बीच में वहाँ जो वॉच टावर है उस पर भी कितने लोग ऊपर में जा कर के खड़े हो गए हैं सनराइज देखने के लिए। और अभी भी भाई साहब वेट चल ही रहा है सूर्य देवता का। ये तो छठी मैया वाला हालत हो गया जी, उगा हो सूरज देव अर्घ के बेर। गलती से मेरा यहाँ पैर पड़ गया, देखिए ये पूरा गीला था, कीचड़ था, पैर ही अंदर चला जाता। कहीं कहीं ट्रेल्स बने हुए हैं, लोग उसी पर ज़्यादा चल रहे हैं। और इधर लाइन से जो है ना वो सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अपन जब 6:15 में आए थे तो 2 ही 3 कार्स थी, अपन तो थोड़ी देर तक उसी में सोते रहे थे। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि पूरी बारात लग गई है, लंबी लाइन लग गई है, पूरे देश भर से लोग यहाँ सनराइज देखने आ रहे हैं। मैं सो रही थी, एकदम से मैंने देखा तो एकदम ऐसे लाली छा गई है, अब सनराइज होने वाला है। मैं एक्साइटमेंट में बाहर आ गई, बाहर आ गई, एकदम कूद के आ गई। तो फाइनली भाई सनराइज हो रहा है, क्या अद्भुत नजारा है भाई। चारों तरफ वाइट डेजर्ट, सफेद सफेद रेगिस्तान के बीच में उगता हुआ लाल लाल सूरज। तो सनराइज हो गया और ये दूसरी तरफ का एरिया है, ये पूरा वाइट लग रहा है। इधर कम लोग गए हैं क्योंकि ये वेस्टर्न साइड है, इधर सनसेट होता है। और अपना सनराइज उधर, गड्डी अपनी उधर खड़ी है। तो सुबह के 7:45 हुए हैं और सनराइज हो चुका है, गड्डी अपनी पीछे खड़ी है। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे एक होम स्टे में, वहाँ नहाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर से वाइट डेजर्ट में आएंगे, घूमेंगे, फिर रन उत्सव जो है उसमें घूमेंगे। तो वो सब आप अब अगले ब्लॉग में देखना। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्द ही। तब तक आप अपना ख्याल रखें, नमस्कार।